इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। डिलीवरी हुई है और बाथरूम में हुई है, दो बजे तक बैठे हुए, कोई नर्स ने देखा तक नहीं है, किसी नर्स ने देखा था, डॉक्टर नर्स अवेलेबल या कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना बेड की समस्या है, सब लापरवाही। यहाँ पे डॉक्टर बोले थे एक महीने बाद डिलीवरी होगी और डिलीवरी पाँच पंद्रह मिनट बाद डिलीवरी हो चुकी है, वही बाथरूम में हुई है, डॉक्टर कोई देख नहीं लिया, कोई नर्स ने हाथ नहीं लगाया कि बच्चे की डिलीवरी हो गई, तो छुपा के रह गए डॉक्टर। अच्छा, ये आप यहाँ पे कब लेके आए थे आपकी पत्नी? मैं यहाँ पे इनको ढाई तीन बजे लेके आया था करीब। क्या नाम है आपकी पत्नी का? मनीषा। तो डिलीवरी की डेट कब दी थी? डिलीवरी डेट तो उसने दी थी कुछ अप्रैल की दी थी, 4 अप्रैल की शायद। हाँ, जबकि हमारे हिसाब से पूरा 9 महीना कंप्लीट हो चुका था, हम डॉक्टर को बताया भी सही, डॉक्टर बोल रहे बोले अभी डिलीवरी नहीं होगी, बोले वो डिलीवरी अभी हुई है, बाथरूम में हुई है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत है, कृष्णकांत नाम है मेरा। अच्छा, आपकी मिसेज का नाम? मनीषा। कहाँ के रहने वाले हो? रामखेड़ी मांगलिया। यहाँ बहुत सही बात बोल रहे हो, नहीं यही बैठेंगे, बच्चा मरा है हमारा, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, आपकी नौकरी निभा रहे हो, वैसे ही डॉक्टरों को निभाना चाहिए। बिल्कुल अब यहाँ से जब तक नहीं आया बताए, वीडियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चों को मार दिया हमारे यहाँ, कोई देखभाल नहीं की बाथरूम में, दिन ने डॉक्टर ना देखा नहीं, बच्चों बाथरूम पैदा हो गया, पूरे मीडिया के सब यही है, वो भी फटाफट आया, यहाँ पे ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार पहले भी हुआ, काफी सारे लोग, कोई पहले भी हमारे डिलीवरी के डॉक्टर को मैं कुछ दिन पहले दिखाने लाया था, बैठी हुई थी, कोई समस्या नहीं, चार बैठी थी, मेरे को घर पहुँचा दिया, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है सब कुछ, अगर सुनने में ये चीज आती है कि यहाँ के जो डॉक्टर है वो यहाँ से प्राइवेट उनके हॉस्पिटल में रेफर करवा दे, यहाँ सिर्फ ड्यूटी के नाम पे घूमने के हिसाब से आते हैं और रेफर करवाने का बोलते हैं, बोले आपकी सिचुएशन खराब है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ, और रेफर भी उनके प्राइवेट हॉस्पिटल करवा दे, यहाँ से नहीं हटेंगे। सुनने में ये चीज आती है कि यहाँ के जो डॉक्टर है वो यहाँ से प्राइवेट उनके हॉस्पिटल में रेफर करवा दे, यहाँ सिर्फ ड्यूटी के नाम पे घूमने के हिसाब से आते हैं और रेफर करवाने का बोलते हैं, आपकी सिचुएशन खराब है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ, और रेफर भी उनके प्राइवेट हॉस्पिटल करवा दे, यहाँ से नहीं हटेंगे। रोज होता है, रोज कहीं ना कहीं कोई आवाज नहीं उठा था, बिगड़ चुका है ऐसा एक केस, पहले बिगड़ चुका है, पहले हम मेरी भाभी को हम ले गए ऐसे, कोई बच्चा दूसरे पैदा हुआ है, अभी 8 दिन हुए डिलीवरी की, शिवानी पूनम करके डिलीवरी थी, वो भी अमृत बच्चा पैदा हुआ है मेरे घर में, डॉक्टर बिल्कुल ही लापरवाही, लड़की हुई है, लड़की लड़का ऐसा सर, देखा नहीं, यहाँ पे अभी नवंबर में मेरे यहाँ पे डिलीवरी हुई है, यहाँ पे एक विजिट के लिए एक टीम आई हुई थी, मैं खुद यहाँ पे था, मेरा बच्चा आईसीयू में था, विजिट के लिए टीम आई, इन्होंने यहाँ ऊपर साफ सफाई की सिर्फ एक दिन ऐसी सर्विस दी जो रियल में देने लायक थी, उसके बाद ऐसी सर्विस कभी नहीं मिली, वहाँ पे टीम भी आई, सिविल सर्जन से मिली, वहाँ बात करके निकल गए, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में कोई विजिट नहीं किया हुआ, जाम हो सकती है, आप ये बात समझिए, रेलवे भी जाम हो सकता है अगर आप यहाँ से उठाओगे, इनको 4 घंटे से बेड नहीं मिला, ये बहुत समस्या है, मतलब मैं अजय पटेल साहब को अवगत करा करा के थक गया, वो कलेक्टर साहब को हजारों बार तो मैंने खुद ने बता दिया है, आरएमओ साहब तो फोन ही नहीं उठाते हैं, ना सीएमएचओ साहब, अभी आधा घंटे पहले मैं कुछ मेडिसिन लेना है तो वही नहीं मिली, मेरा तो रूटीन हो गया अब नहीं मिलना मेडिसिन यहाँ, मतलब इतनी डॉक्टरों की लापरवाही इतनी हो गई, बताओ इनके, आप पत्रकार बंधु खुद जानते हैं कि मैं कितनी बार आ चुका हूँ, कलेक्टर साहब को अवगत करा चुका हूँ, ठीक है, कितनी बार आप सबकी मदद से मैंने कुछ लोगों को बेड भी दिलवाए हैं, साइन करने को कोई साइन कुछ भी नहीं, ये बच्चे का बाप है, कोई साइन करा कुछ भी नहीं, मेरी साइन ही मान्य रहेगी, किसी की साइन मान्य नहीं रही, साइन लिया आप तो उससे बस है, पर चोट लगी देख लो इसकी, घाव देख रहा है बच्चे को, बच्चे को घाव देख रहे हो, घाव देख रहा है।
यहाँ पे ये पेशेंट को लेके आए 2 बजे से डिलीवरी के लिए। पहले तो इन्होंने 6 बजे तक पेशेंट को बेड नहीं दिया और पूछने में बताया कि अभी फिलहाल यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, नर्सों देख रहे थे। कई बार उनको बोला, पेशेंट को इन्होंने टेबलेट दी, उसके बाद डिलीवरी की लोकेशन, डिलीवरी की स्थिति आई, पेशेंट गया टॉयलेट करने, जब भी कोई नर्स नहीं था उनके साथ में, डिलीवरी हुई बाथरूम में डिलीवरी हुई है ये, और बच्चा वहाँ पे मृत पैदा हुआ है। 2 बजे से किसी भी बड़े डॉक्टर ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने 181 भी किया, सभी डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश की, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ नर्स ऊपर ऊपर बात घुमा फिरा के बता रहे थे कि डॉक्टर आ रहे हैं। अच्छा, ये डिलीवरी का समय कब दिया था इनको? डिलीवरी का समय समथिंग इसी हफ्ते में बताया गया था, और डिलीवरी आज हो गई। आज हो गई, और 2 बजे से आए हुए हैं, बेड तक नहीं दिया है नर्स। पेशेंट जो है डिलीवरी वाली खड़ी रही 2 घंटे से, 4 घंटे सलंग खड़ी रही, और बैठने की भी जगह नहीं मिली है। कितने बजे से आए थे आप यहाँ पे? हम सुबह 2 बजे से आए, दोपहर 2 बजे से आए हुए। क्या नाम है आपका? सूरज रावत। और जो पेशेंट को लेकर आया था उनका क्या नाम था? कृष्णकांत। उत्तम सिंह के पिताजी। और जिन महिला को डिलीवरी हुई उसका क्या नाम है? मनीषा। कहाँ के निवासी? रावकेड़ी सेंटर पॉइंट मांगलिया। के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया था, आपको भी आवेदन भी दिया, क्या पूरा मामला था ये? जी, अभी आवेदन वो दे रहे हैं। मामला ये है कि जो परिजन है उनका ये कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की जान गई है। हमारे द्वारा पूछताछ भी उनसे की गई है, कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो कि जाँच का विषय है। जो कुछ विशेषज्ञ हैं, अगर उनकी समिति बनती है तो उस हिसाब से उसकी जाँच की जाएगी। मैडम, 2.5 से 3 घंटे से जो है कि यहाँ पे जो महिला वो मृत बच्चे को लेकर खड़ी हुई। जी, ऐसा भी परिजनों के द्वारा बताया गया है, क्योंकि मेरी ये जानकारी में भी आया है कि हॉस्पिटल में CCTV कैमरे लगे हैं। ऐसी स्थिति में जब जांच होती है तो उसमें समय के साथ ही सारी चीज़ें निकल के आ पाएंगी। इसमें जो परिजन हैं उनके बयान भी लिए जाएंगे, और जो संबंधित डॉक्टर्स हैं उनके बयान भी लिए जाएंगे। जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस आधार पर कार्रवाई। बच्चे जो हुआ मृत अवस्था में हुआ, मैम, जो जानकारी में आया आपको? जी, और परिजनों का कहना भी है कि डॉक्टर ने हमको बताया था कि बच्चे की धड़कन बंद है। मैडम, इस तरह लगातार जो कार्रवाई, जो शिकायत आती रहती है आपके पास, प्रशासन के अधिकारी होने के नाते ये बहुत, क्योंकि पहले भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं सामने आई थी, तो उसमें क्या जांच वगैरह हुई है मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि उस समय मैं नहीं आई थी। तो अभी आज की घटना मेरी जानकारी में, मैंने आपको आपके संज्ञान में क्या कुछ पूरा मामला है अस्पताल में? ये थाना कोतवाली क्षेत्र की घटना है। MGH अस्पताल में प्रसव हेतु कृष्णकांत नाम के व्यक्ति बरौठा क्षेत्र से अपनी पत्नी को प्रसव हेतु यहाँ लाए थे। लगभग 2 बजे का वो समय बता रहे हैं, और 6 बजे के आसपास जो है उनको याद कराया गया कि डॉक्टर टेस्ट में धड़कन जो पेट में बच्चा उसमें नहीं मिल रही है, और उसके पश्चात उनका ये आरोप है कि जो प्रॉपरली उसके केस को अटेंड नहीं किया गया, और वॉशरूम में जो है वो डिलीवरी हो गई और बच्चा मृत पैदा हुआ है उसमें, और इस संबंध में जो है ना उनके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, और इसमें जांच होगी, जांच पश्चात जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कहाँ के निवासी थे? ये बरौठा क्षेत्र के निवासी हैं। सर, यहाँ पे कुछ हंगामा हुआ, महिला 4 से 5 घंटे तक जो है कि इस संबंध में जो है ना SDM साहब यहाँ पर आ गए हैं, और इसकी जांच होगी, और प्रारंभिक तौर पर जिसकी भी गलती पाई जाती है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, आपकी परिजनों से भी चर्चा हुई है और आपने समझाइश दी है? बिल्कुल, मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है, जाँच के संबंध में हम जो है ना प्रॉपर उसकी जाँच कराएंगे, और जाँच के लिए जो है SDM साहब अभी हैं। थैंक यू सर।